कैसे आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी हेल्थ में बहुत सुधार है। आप लोग अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि कोई एक अच्छी सी सेफ इफेक्टिव फेयरनेस क्रीम है ना, तो आज एक ऐसी ही क्रीम लेके आई हूँ। और ऐसे ही नहीं लेके आई हूँ, मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गई, मैंने ये क्रीम डॉक्टर को दिखाई, उनसे पूछा कि फेयरनेस के लिए क्या ये क्रीम सेफ है या फिर अनसेफ है। उन्होंने जो मुझे गाइड किया, मैं वही आप लोगों को साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये क्रीम आपको वास्तव में ही एक नेचुरली तरीके से फेयरनेस देगी, जैसे आप फेयरनेस अक्सर चाहते हैं। अब जो लोग बोलेंगे कि भाई हमारा स्किन कलर तो डार्क है, हम क्या लोग नहीं हैं, हम क्या इंसान नहीं हैं, हमारी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है, तो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आती हूँ। स्किन कलर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, आदमी यहाँ से अच्छा होना चाहिए। सकल सूरत तो भगवान की देन होती है, जैसा भगवान ने दे दिया वैसा ही अच्छा है। बस आपको ट्राई करते रहना चाहिए कि आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहे। लेकिन आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरा फर्ज है मैं अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट को पूरा करूँ। तो यहाँ जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए ना, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ यार, और आपका लाइक देने में, शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में एक भी रुपया नहीं लगता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये तीनों के तीनों मेरे बोलने से पहले जरूर कर दिया करें। वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे क्लोजी विट प्लस जेल, एक्चुअली जेल है, क्रीम नहीं है। और जेल आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। पैकेजिंग इसकी 15 ग्राम की है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो वो है 325 रुपये, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से खरीदेंगे, होप सो कि आपको ये डिस्काउंट में पड़ जाए, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी डिस्काउंट में नहीं पड़ी, मैंने इसको 325 रुपये में ही लिया है। तो आपको ये क्यों लेनी चाहिए। अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये आपकी स्किन से झुर्रियों को हटाता है, कसाव लेके आता है, आपकी स्किन पे मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अगर आपको पिगमेंटेशन की बीमारी है, झाइया है, एक्ने है, पिंपल है, उनके दाग धब्बे हैं या फिर सन टैन है, ये बड़े अच्छे से उनको कवर करेगा, उनको रिमूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे कसाव आए, आपकी स्किन पे ग्लो आए, अगर आपकी स्किन डल है, तो भी ये आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, एक स्वस्थ स्किन आपको देगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ इंग्रेडिएंट्स को देखें, इंग्रेडिएंट्स को देखें। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे, ध्यान देंगे, मानती हूँ मुझे भी नहीं पता था इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, सबसे पहले मैंने गूगल किया है, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना है, आप देखेंगे कि हर एक इंग्रेडिएंट जो इन्होंने लिया है वो नेचुरल है। और जो ये दावा करता है कि आपकी स्किन को ऐसे बनाएगा वैसे बनाएगा, सारे के सारे सही हैं, क्योंकि इसके अंदर लिया गया है ऑक्सीनोक्सेट, कोई जेल है वो लिया गया है, जो एज ए सनस्क्रीन आपकी स्किन पे काम करेगा, यूवीए यूवीबी रेज से आपको बचाएगा। और इसके अंदर है ग्रेप सीड ऑयल, मतलब अंगूर के बीज का ऑयल, और अंगूर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को यंग बनाता है, आपकी स्किन में कसाव लेके आता है। फिर इसके अंदर है वाइटमिन ई, जो आपकी स्किन को अगेन यंग बनाएगा, मॉइस्चराइज रखेगा आपकी स्किन को। फिर इसके अंदर है मलबरी एक्सट्रैक्ट, और जो बेरी होती है वो आपके स्किन को इतने अच्छे से ग्लो देती है, शायद इतना ग्लो कोई भी चीज़ नहीं देती होगी जितना कि एक बेरी आपकी ग्लो को। और इंडिया में बेरी इतनी जल्दी से मिलती नहीं है, फ़ौरन में मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, और आप देख सकते हैं कि फ़ौरन के जो लोग होते हैं उनकी स्किन पर कितनी चमक, कितनी शाइन होती है। तो बेरी आपकी स्किन को एक चमक और एक ग्लोइंग स्किन बना देगी। तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं, मेल हैं फीमेल हैं दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक पैच टेस्ट इसका जरूर करना है, यहाँ पे करना है। अगर आपको कोई एलर्जी हो जाए, रेडनेस आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और आपको इसे कैसे यूज करना है, फेस वॉश कर लें, कुछ भी आपके फेस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद आप इस जेल का यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ रात में, दिन में आपको ये नहीं लगाना है, रात में ये लगाना है। फिर भी अगर आपके मन में, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस क्रीम को यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछें। हालांकि मैं तो खुद डॉक्टर से पूछ के आई हूँ कि हमें ये क्रीम यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएँ, पूछें, फिर आप इस क्रीम को यूज करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स,
ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कोई ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए वो जापानी पिए, खुश रहें, खुश रखें।